आज गुजरात से हर्ष सोलंकी जी और उनके परिवार के लोग, उनकी बहन सुहानी, उनकी मदर लता जी मेरे घर पे, मेरे आमंत्रण पे हमारे साथ खाना खाने के लिए आए। मेरे पूरे परिवार के साथ बैठे और हमने साथ लंच किया। हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा और मैं इनके पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी दूर से हमारे साथ आज लंच करने के लिए आए। आप अगर कुछ बोलना चाहें। अरे तो जय भीम, जय वाल्मीकि। बड़े गौरव की बात है कि 75 साल में कोई भी नेताजी ने घर पे खाना खाने के लिए किसी को बुलाया। जोर से बोल दीजिए। तो आज 75 साल के बाद पहले नेताजी हमें ऐसे मिले दलित समाज को, कि वो दलित समाज के लड़के को बोला कि भाई तुम पहले मेरे घर पे आओ, बाद में मैं तुम्हारे घर पे आऊँ। तो ये बड़े गौरव की बात है और ये यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हमने स्कूल्स देखी, स्कूल्स की फैसिलिटी देखी, हॉस्पिटल्स देखे, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के। हर साहब बीच में भावुक हो गए थे, क्या वजह थी? आपकी तस्वीरों में आया कि आप थोड़े भावुक से नजर आ रहे थे अंदर। मुलाकात करने के बाद काफी इमोशनल हो रहे थे। सोचा था सपने में भी ऐसा? मैंने कोई सी बार सोचा ही नहीं था कि मैं अभी भी यही लग रहा है मेरे को कि मैं खुली आंख से सपना ही देख रहा हूं, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आज यहां सर के साथ खड़ा हूं। अच्छा, दिल्ली स्कूलों में कंपैरिजन किया आपने कि दिल्ली के स्कूल और गुजरात के जो स्कूल हैं उनमें अगर आप देखें, क्योंकि आप गुजरात से आए हैं और गुजरात में रहते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी इतनी गुजरात में है नहीं जो यहाँ दिल्ली में दी गई। तो अपने समाज के लोगों को जाकर बताएंगे कि इस तरीके की व्यवस्था हमारे स्कूलों में? जरूर। तो अब सीएम साहब को कब आमंत्रित कर रहे हैं अपने आगे बार? जब सीएम साहब चाहे तब मेरे नेक्स्ट टाइम। मैं जब भी अहमदाबाद जाऊंगा, मैं इनके घर जाऊंगा, इनके इलाके में जाऊंगा, इनके घर खाना खाने जाऊंगा। सीएम साहब, बड़ा मैसेज तो गया है इस पूरे, लेकिन एक सवाल इससे हटके है कि इस वक्त राजनीति में जिसको जो आप कहते हैं कि कांग्रेस को लगातार आप बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, जिस तरीके से राजस्थान में हुआ है उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं पूरा घटनाक्रम पे आपकी नज़र रही होगी? देखिए, हमें राजनीति करनी तो आती नहीं है, हम तो जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए स्कूल बनाते हैं, जनता के लिए अस्पताल बनाते हैं, जनता के लिए बिजली माफ़ करते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पानी देते हैं और वही बातें करते हैं और वही चीज़ें हैं जो जनता को चाहिए। जनता भी राजनीति पसंद नहीं करती है, जनता को भी ये तोड़ फोड़ की राजनीति, इसको खरीद लिया, उस MLA को खरीद लिया, वो जनता को पसंद नहीं आता है। हम जनता की राजनीति करते हैं इसीलिए जनता हमें पसंद कर रही है। पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात के अंदर मुश्किल से 5-6 महीने हुए हैं हम लोगों को गए हुए और ऐसा माहौल हो गया गुजरात के अंदर। सब लोग कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो आम लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हम आम लोगों के मुद्दों की बात करते हैं, हम उनके बच्चों की शिक्षा की, उनके रोज़गार की बात करते हैं, उनको पक्का करने की बात करते हैं, उनकी तनख्वाह की बात करते हैं, बिजली फ्री करने की बात करते हैं। सर, राजस्थान में जो हो रहा है, लग रहा है कि देश को कांग्रेस से उम्मीद अब टूट गई है? ऐसे लग तो रहा है, मतलब जिस तरह से वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, तो अब एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो ये जोड़ तोड़ करती रहती हैं। कोई दोनों में से कोई पार्टी ये कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हम आपकी दवाइयाँ फ्री कर देंगे, आपका इलाज फ्री कर देंगे। कोई पार्टी कहती है कि हम आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। वो तो उल्टा कहते हैं कि ये केजरीवाल मुफ्त 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 कर रहा है, केजरीवाल को मुफ्त देना बंद करो, केजरीवाल को मुफ्त नहीं देना चाहिए। अब बताइए, गरीब लोगों को अगर मुफ्त शिक्षा नहीं मिलेगी, मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा, मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो आज पूरे देश को मैं समझता हूँ कि उम्मीद केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है और बाकी सभी पार्टियों ने जो है वो 75 साल के अंदर अपना घर भरने के सिवा और कुछ नहीं किया बाकी लोगों ने। सर, आप खुद को विकल्प मानते हैं कांग्रेस का राजस्थान में? मेरे को कोई विकल्प वगैरह समझ नहीं आता, मेरे को एक ही चीज़ समझ आती है कि देश को आगे ले जाना है और देश आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। थैंक यू।